विकसित करने का मौका हासिल हुआ है। बेनासल एफसी के किक लगाएंगे पूनम स्पोर्टिंग के खिलाड़ी। 20 या फिर 25 मिनट के खेल में जीत प्लीज अनाउंसिंग मंच पर आने का कष्ट करेंगे। ग्राम प्रधान श्री राजेश मिश्रा जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और यहां पर अपने कोटे का पहला किक बेकार होता हुआ पूनम स्पोर्टिंग के लिए। नहीं है, प्रयास बहुत ही बेहतरीन थी। ऐसा नहीं कि साइड हट जाएंगे, बैठ जाएंगे तो अच्छी बात होगी। कुछ महिला दर्शक भी हैं। थैंक यू। यहां पर अब 25 या 20 मिनट के खेल में जो प्रेशर नहीं थी, आप प्रेशर नजर आएगी क्योंकि सेमीफाइनल मैच है। बहुत ही सुंदर तरीके से अपने कोटे के दूसरे किक को सफलता में तब्दील कर। और इस तरह से दो मौके में दो सफलता। और इस तरह से पेनाल्टी किक लगाने में भी रियाज कर लेना चाहिए। और पूनम स्पोर्टिंग के पास सफलताएं मिली है, वहीं बेनासल को 3 में 3 सफलताएं मिली है। तो ये निर्णायक घड़ी है। पूनम चलिए उम्र अच्छे की परीक्षा की घड़ी आएगी टीम को जिंदा रखने के। और इसी के साथ जीत दर्ज करती हुई बेनासल एफसी की टीम, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और हमारे तरफ से ढेर सारी बधाई बेनासल एफसी को, वहीं बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं पूनम स्पोर्टिंग टीम के तमाम खिलाड़ियों को। आपने बहुत ही अच्छा खेल खेला है। और हम बात करते रहते हैं कि वनडे के मैचों में या खेल में
हार और जीत जब तक ना हो खेल का कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो किसी को जीत मिलती है किसी को हार मिलती है।